उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के बाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। शनिवार की शाम हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद नोएडा गुरुग्राम में पुलिस हाई अलर्ट पर है। गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रशासन के निर्देश पर नोएडा सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा तीनों जोन में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। रात को ही पुलिस ने मार्च का शांति व्यवस्था का जायजा लिया। भीड़भाड़ वाले इलाकों बाजारों शॉपिंग मॉल मेट्रो स्टेशन के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान पुलिस कमिश्नर लव कुमार ने लोगों से बातचीत भी की। संवेदनशीलता के दृष्टिगत जो एक घटना हुई है दिल्ली में, एक भ्रमणशील सभी अधिकारियों को किया गया है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो जनता के मन में एक विश्वास, एक सुरक्षा का जो माहौल है वो क्रिएट करना, उनका भाव सुरक्षा का उनके मन में पैदा करना, इस उद्देश्य से सभी लोगों को भ्रमणशील किया गया है। देखिए, लोगों से यही अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और ऐसे मौक़ों पर कई बार लोग अफवाहें उड़ाने का प्रयास करते हैं, अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और यदि कोई भी किसी तरह की बात होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग, उन लोगों से संपर्क स्थापित करके उन चीज़ों को क्लेरिफाई करना चाहिए। बीते एक डेढ़ हफ्ते में भगवान महावीर जयंती, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती, रामनवमी, गुड फ्राइडे जैसे फेस्टिवल थे। इसे लेकर यूपी पुलिस को पहले से ही निर्देश दिए जा चुके थे ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। हनुमान जयंती के बारे में पूर्व में ही सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। बीते दिनों रामनवमी और अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती तथा गुड फ्राइडे इत्यादि पर्व बहुत ही सकुशल तरीके से, लोगों के सहयोग से, आपसी भाईचारा के साथ मनाया गया था। आज जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें, विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं। दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। गाज़ियाबाद पुलिस, बागपत की पुलिस तथा मेरठ जोन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इधर गुरुग्राम में गश्त के दौरान पुलिस की बाइक सवार अपराधियों से सामना हुआ। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग की, इसमें एक पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगी। आरोपी गोली मार के भागने के लिए लेकिन अपनी बाइक छोड़ गए। गुरुग्राम SP संजीव बलहारा के मुताबिक पूरे इलाके की घेरेबंदी की गई है, CCTV फुटेज देखी जा रही है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इधर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाका अब पूरी तरह शांत है। सड़क से जली हुई बाइक और बिखरे हुए पत्थरों को हटा दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं।